दोस्तों नमस्कार। आज 4 जून 2023 है। तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है। आज हम जानेंगे यूरिया प्लस DAP प्लस NP से भी पावरफुल खाद अपने ही घर पे देसी तरीके से कैसे बनाया जाता है। दोस्तों मेहनत करनी तो पड़ती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ में ये खाद बहुत ही पावरफुल बन जाएगा। ये 100 लीटर पानी के अंदर 5 उपले लेने हैं। ये आप अपने हम भाषा में गोसे बोलते हैं, आप उपले बोलते होंगे। 5 गोसे लेकर के इसके अंदर डाल दो और फिर उसके बाद 1 किलो या 1.5 किलो के लगभग गुड़ डाल दो। और फिर उसके बाद में आपने बेसन, या बेसन नहीं मिलता है तो आप किसी भी दाल का आटा इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। 1 किलो या 1.25 किलो के आसपास ये आटा डाल दो। और चौथा इसके अंदर आप देसी गाय का कम से कम भी 5 या 6 लीटर इसका पेशाब होना चाहिए, जो इस बैकेट के अंदर डाला हुआ है। ये भी आपको इसके अंदर डालना है। ये इसके अंदर इस प्रकार डाल करके इसको हिला करके मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में आपने कम से कम भी इसको 15 दिन तक छोड़ देना है। और 15 दिन के बाद में आपने निकालना है और किसी बर्तन के अंदर इसको छान लेना है। और जो ये उपले हैं ऐसे के ऐसे मिलेंगे, इसको आप दोबारा सुखा करके दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको किसी खेत के अंदर भी आप डाल सकते हैं। और ये छाना हुआ जो पानी है, ये आपका बहुत ही पावरफुल खाद बन जाता है। इसको डालने की विधि, जब आप खेत के अंदर पानी देते हैं तो किसी बोतल में डाल करके और उसमें होल करके टुपके टुपके जाने दें, वो सारे खेत के अंदर फैल जाएगा। अदरवाइज आप किसी छिड़काव के द्वारा भी इसके अंदर खेत के अंदर डाल सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है पानी के साथ में इसको देने का। नमस्ते।